15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। आप देख सकते हैं जटाशंकर धाम लिखा हुआ है। ये बहुत पुराना स्थान है। यहाँ पर 3 कुंड हैं जिसमें अपने आप ही श्री जटाशंकर धाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जटाशंकर धाम। भोलेनाथ का स्थान है ये। बिजावर से 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। आप देख सकते हैं जटाशंकर धाम लिखा हुआ है। ये बहुत पुराना स्थान है। यहाँ पर 3 कुंड हैं जिसमें अपने आप ही पानी, ज़मीन से, पत्थर से अपने आप ही पानी निकलता है। अभी तो यहाँ से दूरी पड़ेगी 8-10 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो अभी हम लोग बाइक से आए हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे, आपको अंदर का नज़ारा पूरा दिखाएँगे और बताएंगे जटाशंकर धाम का अलौकिक रूप। आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, स्नान करते हैं। एक गौ का सिर लगा हुआ है, गौ माता का, जिसमें से पानी निकलता है। और लोग बाग जो आते हैं दूर से, बहुत दूर से जो लोग बाग आते हैं, वो उस सिर में, सिर से जो पानी निकलता है उससे स्नान करते हैं और अपने जो पाप होते हैं उनको धोते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा और चलते हैं श्री जटाशंकर धाम, भोलेनाथ जी का स्थान। हम लोग पहुंच चुके हैं जटाशंकर धाम। आइए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं अमित शर्मा अपनी प्रस्तुति पेश कर रहा हूं। अब अपन नीचे की ओर चल रहे हैं, गर्भगृह की तरफ। मुख्य मार्ग से जाने के साथ साथ एक ऊपर से भी मार्ग नीचे की ओर जाता है, जो जटाधारी भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्रदान करेगा। चूँकि यहाँ पे गंगा माई, बुंदेलखंड की गंगा माई स्वयं ही प्रकट होती है। पहाड़ों के बीच से स्रोत का पता नहीं है, किस तरफ से जलधारा आ रही है। गौमुख पहाड़ों के बीच से, गौमुख के मुख से जलधारा जटाधारी को स्वयं 2400 घंटे स्नान प्रदान करती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। वादियों के बीच में स्थित यह धाम 12 महीने श्रद्धालुओं से भरा रहता है। नाना प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। बहुत ही जल्दी हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों। जटाशंकर धाम हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये स्नान करने के लिए द्वार है, यहाँ से लोग बाग जाते हैं स्नान करने के लिए। सोमवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। नीचे जाने पर आपको स्नान कुंड मिलेगा, यहाँ से नीचे ले चलते हैं आपको।
ये यहाँ पर कुंड है, लोग बाग स्नान करते हैं यहाँ पर। कुंड जो है जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं और नहाते हैं, अभी तो कम भरा हुआ है। यहाँ से लेके जा रहे हैं हम लोग आपको अंदर की ओर। आपको करवाएंगे यहाँ पर तीन कुंड के दर्शन, जिसमें एक कुंड में पानी बिल्कुल शीतल रहता है और एक कुंड का पानी हल्का गर्म रहता है और एक कुंड का पानी लगभग नॉर्मल रहता है। ये रहे वो तीनों कुंड, लोग बाग यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं। ये वो तीन कुंड हैं। बोलो बोले ना भगवान जय। ये है शंकर भगवान, यहाँ पर विराजमान है, लोग बाग आते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ गौमुख इलाका है, जो यहाँ पर पानी की जो गिर रहा है, इस पानी का कोई पता नहीं है कहाँ से स्रोत है और कहाँ से ये पानी आ रहा है। ये कुंड बहुत गहरा है, अब इसमें जाल डर गया है, वरना इस कुंड की कोई गहराई नहीं है। हम चलते हैं। जटाशंकर में जो यात्री आते हैं जी पंडित जी, वो यहाँ मेन दर्शन शंकर जी के करते हैं जी। वहीं तीन कुंडियों से जल लेते हैं, गौमुख धारा में भी स्नान करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाने का महत्व है। यहाँ पंडित जी माना जाता है कि तीनों कुंडों का पानी अलग अलग है। हाँ हाँ जल। और यहाँ की क्या विशेषता है, ये मंदिर किसने यहाँ पर विराजमान करवाया था? ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी, पहले से ही प्रसिद्ध है। हाँ। वो आज भी है, आज भी है। और यहाँ लाखों यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, कथा वार्ता भी बांटते हैं। हाँ। जी हैं? जी जी, कथा वार्ता भी सुनते हैं। शंकर भगवान। और यहाँ बताया जाता है कि बहुत सी शादियाँ भी होती हैं। होती है ना मंदिर से, जयमाला भी डरती है, यहाँ भावना भी पड़ती है, पुराण कथा भी होती है, सब होता है, सभी होता है। आप लोग भैया बताएंगे कहाँ से हैं? हम लोग दमोह से हैं। हाँ, दमोह से हैं। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ, पहली बार आए। तो आपने किसी से सुना था? तो आपको यहाँ आने से बात कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत स्थान है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। हर चीज की सफाई है, हर चीज व्यवस्था है, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से कुछ बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ जब आपको टाइम हो, अच्छा लगे, या भगवान के प्रति आपकी आस्था हो जी, एक बार आप यहाँ जरूर आए जी। यहाँ आके आपको एक आत्मिक शांति, जो भगवान के प्रति आस्था है अपनी जी, वो यहाँ आके मिलेगी। तो आप दमोह से आए हैं, आपको किसी लोगों ने बताया था कि यहाँ जो प्राचीन मंदिर है? हाँ, बहुत प्राचीन है। पहले हम लोग पहली बार आए हैं, पहली बार, और यहाँ बोला जाता है कि तीन बार आना चाहिए। हाँ, जो आपकी मनोकामना, आप अभी दो बार और आएंगे? हाँ, लगातार तीन बार आएंगे। हाँ, लगातार तीन बार, तीन अमास आएंगे। दोस्तों, कुछ हमारे भाई बंधु थे जो दमोह से आए हुए हैं। तो दोस्तों, जटाशंकर धाम आप लोगों ने देखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जटाशंकर धाम आपको कैसा लगा, यहाँ के दर्शन कैसे लगे। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, यहाँ से घर की ओर जा रहे हैं अब हम लोग। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो का ये ज़रूर बताएं कि कमियाँ क्या हैं, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है।
ताकि हम आगे की वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बोलो जय भोले की, जय भोले की।